मैं डॉक्टर सुनीलम, मैं आपके पास सबसे पहले आ जा रहा हूँ, क्योंकि एक तो आपको भाई, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, आज आप लोग के जो साथी, आप लोग इतना लंबा आंदोलन, तीस्ता जी की बेल हो गई है। आप सब लोग इसके लिए बहुत परेशान थे और दौड़ धूप कर रहे थे, जिससे जो हो सकता था। तीस्ता जी को अंतोगत्वा इस बेल मिल गई, हालांकि उसके अपने कारण है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस वजह से मिली, क्योंकि बाकी और कुछ कंसेशन देने हैं, इसलिए उन्होंने दिखाने के लिए कर दिया। डॉक्टर सुनील, सबसे पहली बात ये कि जो नीतीश जी निकले थे उस समय, मतलब भाजपा को छोड़ के विपक्ष में आए थे और लालू जी के साथ सरकार बनाई, उस समय से देश का एक मिजाज तो बदला है। आपको नहीं लग रहा है कि सब में एक थोड़ा जोश आ गया है जो विपक्ष है? डॉक्टर सुनील जी, आनंद जी, बहुत आपका शुक्रिया। बेल मिली वो भी यूयू ललित जी के चीफ जस्टिस रहते हुए मिली, ये इसको और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाता है बेल को। और हम लोगों का तो जो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का कैंपेन है, उसको एक बूस्ट मिलेगा, क्योंकि तीस्ता सेटलवाड़ हम लोगों का एक अभिन्न अंग है, जिसे सिविल सोसाइटी के तौर पर कहा जाता है। मैं जो आपने सवाल किया, नीतीश जी के और लालू जी के फिर से जो गठबंधन हुआ, उसका बहुत ही पॉजिटिव असर पूरे देश के अंदर आया। उत्तर प्रदेश के अंदर जब फिर से योगी, तो एक किस्म की निराशा पैदा हो गई थी। और उस विषय और उसके बाद में जब ये महाराष्ट्र वाला पूरा एपिसोड हो गया था, खरीद फरोख्त वाला, तो और भी ज्यादा एक किस्म का डिप्रेशन की स्थिति बन गई थी। तो ऐसे समय में एक ऑपोजिशन को बहुत बड़ा बूस्ट मिला है, और वो केवल इसलिए नहीं मिला कि एक भाजपा की सरकार एक कम हो गई और एक पार्टनर उनका और कम हो गया। पहले अकाली गए, फिर शिवसेना गई, और फिर जो है अब नीतीश जी भी बाहर आ गए। लेकिन वो इसलिए हुआ कि जो जब विश्वास मत की बात आई, और जो हाउस के अंदर जिस तरीके से जो बॉडी लैंग्वेज था, और जो दोनों लोग नीतीश और तेजस्वी जो हैं, वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहे थे, और वो जो बार बार कह रहे थे कि भाई हमारा मामला तो अब जो है मतलब दिल्ली के साथ में है, और अब जो सब पोस्टर वगैरह बदले हैं, पोस्टर वगैरह जो लगे हैं, और अब तो मोदी जी ने भी अटैक कर दिया है नीतीश जी के ऊपर, तो अब बात एकदम आमने सामने की हो गई है। और इससे मुझको लगता है कि जो है ऑपोजिशन को बहुत सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। पहले एक प्रयास ममता जी कर रही थी, फिर उसके बाद एक प्रयास चंद्रशेखर राव जी कर रहे थे, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन वो उड़ान नहीं ले पा रहा था, और अब ये जो है उड़ान इसको मिल गई। और उन्होंने ये भी बात कह दी कि पहले जो कुछ कर रही थी ममता जी या चंद्रशेखर राव, वो गैर कांग्रेस गैर भाजपा की बात कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि अब हम गैर भाजपा की बात कर रहे हैं, और हम भाजपा मुक्त भारत की बात हम कर रहे हैं। तो ये बात आगे बढ़ी है, और मुझको ऐसा लगता है कि अभी भी एक बहुत बड़ी संभावनाएं दिखलाई पड़ती हैं, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश और यूपी के अंदर। अगर पूरा का पूरा ये मन बना लें, नीतीश जी और तेजस्वी जी अगर ये मन बना लें कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के योगी के खिलाफ में कैंपेन करेंगे, और खुलकर के अखिलेश यादव और की समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे, और उसके अंदर कोई अड़ंगेबाजी कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं लगेगी, तो मुझे लगता है कि यूपी और बिहार ही बहुत अच्छा नतीजा दे सकते हैं 2024 के अंदर। और जिस तरीके की गोलबंदी दक्षिण भारत के अंदर बन रही है, वो गोलबंदी अगर आगे बढ़ती है, तो मुझे लगता है कि दक्षिण भारत से भी अच्छा नतीजा आ सकता है। तो तमाम सारी संभावनाएं परिवर्तन की इस समय दिखलाई पड़ रही हैं। डिपेंड ये करेगा कि जो बात कल ही शायद कही है शरद पवार जी ने, कि आप सीएमपी को लेकर के, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के आप कैसे बढ़ते हैं। और मुझे इसमें ऐसा लगता है कि नीतीश जी ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो सबसे ज्यादा वायरल हुई, कि वो बार बार उठ रहे थे और चंद्रशेखर राव उनको बैठा रहे थे, और उस समय वो क्या दोनों लोग क्या कह रहे थे, दोनों लोग यही कह रहे थे कि भाई हम लोग मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, आप लोग इतना क्यों जल्दबाजी कर रहे हो कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन जो है उसके सब लोग एक साथ बैठने के मूड में आए हैं। उस वो परिस्थिति जो बनी है उसमें देश सर्वोच्च स्थान पर है, कि देश में लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, देश बचाना है। तो अगर ऐसी स्थिति
आगे बनती है और जल्दी ही कोई मीटिंग इस तरीके की ऑपोजिशन की होती है और उसके अंदर जो सभी की प्लेयर्स हैं अगर वो सब आते हैं और कांग्रेस जो है वो अकोमोडेटिव मोड के अंदर चलती है, जो कि मुझे लगता है कि कांग्रेस के पर्सपेक्टिव में अंतर आया है, क्योंकि जो अगर कांग्रेस के अंदर भारत जोड़ो का एक अपनी वो निकालते हैं पदयात्रा और उस पदयात्रा में वो कहते हैं कि हम अपना झंडा नहीं लगाएंगे, हम अपना बैनर नहीं लगाएंगे, हम तो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, इसका मतलब ये कि वो अकोमोडेट करना चाहते हैं। और जो एक्सपेरिमेंट एक बिहार के अंदर हुआ है जिसके अंदर एक्सट्रीम लेफ्ट भी है CPIML, जिसमें कांग्रेस भी है, जिसमें सोशलिस्ट भी हैं, तो मुझे लगता है कि ये मॉडल आगे बढ़ करके काफी सारे एक तरीके से पॉलिटिकल डिविडेंड्स भी देने का काम कर सकता है। तो एक मन तो बना है लोगों का। और ये भी मैं बात कहना आवश्यक समझता हूँ, ये आखिरी मेरा लाइन है इस उसमें, कि जो है लोगों को ये फैक्ट कभी नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर अपोजिशन भारी है। मेरा मतलब ये है कि 40% से ज्यादा वोट मोटे तौर पर नहीं है, एवरेज अगर देखा जाए जो लोग वोट भी देश में डालते हैं उसमें 60% लोग जो है वो भाजपा के खिलाफ में ऑपोजिशन को वोट देते हैं, लेकिन वो वोट वटा हुआ है और इस कारण से जो है विपक्ष ताकतवर दिखलाई नहीं पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अगर ये एक कॉम्बिनेशन अगर बनता है और एक वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ बनता है और विशेष तौर पर जो अपोजिशन की सरकारें जितनी भी बसती हैं वो अपना उस एजेंडे के ऊपर वो काम करती हुई दिखलाई पड़ती हैं, तो मुझे लगता है कि नतीजे 2024 के अंदर निकल सकते हैं। तो इसलिए नीतीश जी और जो है तेजस्वी जी का साथ आना वो एक बहुत ही आशावादी चित्र पैदा करता है आने वाले समय के लिए विपक्ष के लिए। जी शीतल जी, मैं आपसे एक चीज जरा समझ लूं, अभी अन्ना हजारे साहब एकदम से अवतरित हुए हैं और आप सब लोगों तो भाई एक समय आप लोगों ने इनका मतलब इनसे कंधा मिलाया था, इनको इनको बहुत ऊंचे स्थान पे रखा था, तो इनका एकदम से अवतरित होना और केजरीवाल जी को भला बुरा कहना। दूसरा एक प्रश्न है कि आम आदमी पार्टी का क्या रोल होगा, क्योंकि कभी वो लगती है कि वो विपक्ष में है, कभी लगती है कि नहीं वो बीजेपी के साथ है, उस आम आदमी पार्टी का रोल बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, शायद उनका कनेक्शन की दिक्कत है। डॉक्टर सुनीलम, ये आपके ऊपर भी मतलब आप लोगों के ऊपर भी लागू होता है, क्योंकि जब एक समय था आप लोग इंडिया अगेंस्ट करप्शन और इन सब पे आप सब लोग एक्टिव थे, लोकपाल लागू होना चाहिए, देश में भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, एकदम से ये हमारे अन्ना जी आ गए और आम आदमी पार्टी का रोल, ये दोनों चीजें आपसे जरा समझ लें। डॉक्टर सुनीलम, देखिए अन्ना जी क्या कर रहे हैं इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं उनके संपर्क में नहीं हूं, और अन्ना जी की जो चिट्ठी है उन्हें अगर सबसे ज्यादा गड़बड़ जो है अगर कोई दिखलाई पड़ रहा है वो अरविंद केजरीवाल दिखलाई पड़ रहा है, तो इसके अंदर सब लोग इसका नतीजा एकदम स्पष्ट तौर पर निकाल सकते हैं कि उनका टारगेट जो है वो जो मोदी होने चाहिए या जो भाजपा की कोई सरकार होनी चाहिए, या इस समय वो अगर महाराष्ट्र के अंदर बैठे हैं तो इतना सब कुछ खरीद बिक्री हो गई, एक जो चलती हुई सरकार थी, मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी, मां उसकी सरकार को एक हटा दिया गया, तो उम्मीद तो हम भी कर रहे थे कि उस समय वो बोलने का काम करेंगे, तो इसलिए एकदम साफ है कि वो जो है किसी ना किसी के जो है किसी के बिहेस्ट पर किसी की ओर से जो है वो चिट्ठी लिखने लिखाने का काम किया जा रहा है। तो हम तो क्या कर सकते हैं, दुख प्रकट कर सकते हैं कि हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ में रहे हैं जिस व्यक्ति ने इस देश के अंदर करप्शन के खिलाफ में बहुत बड़ी उम्मीद पैदा की थी, और वो जो है उम्मीद जिन लोगों के माध्यम से पैदा की थी आज उन्हीं के ऊपर आरोप लगाने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है, और वो खुल करके आज जो करप्शन के चार्जेस जो हैं जो देश भर में अन्य भाजपा के लोगों के खिलाफ है, उनके नेताओं के खिलाफ है, उनके सरकारों के खिलाफ है, उसमें बोलने के लिए वो तैयार नहीं है, इस पर तो दुख प्रकट किया जा सकता है। दूसरा, आपने अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कहा, तो मुझे लगता है कि वो जो उनका एकला चलो अभियान है वो एकला चलो अभियान वो बहुत ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा, उनको विपक्ष के साथ में खड़ा होना पड़ेगा, और अगर वो विपक्ष के साथ नहीं खड़े होते हैं तो जिस तरीके के आरोप उनके ऊपर लगते हैं
भाजपा को लेकर के, भाजपा के साथ के रिश्तों को लेकर के वो आरोप और भी पुख्ता जो है लोगों को लगने लगेंगे। और मुझको ऐसा लगता है कि वो ठीक है, अभी वो अपनी एक तरीके की विधानसभा चुनाव के अंदर अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए जो है वो जिस तरीके के बयान देते हैं, उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि भाई मनीष सिसोदिया को आपने आरोपित किया तो मेरे 4% वोट बढ़ गए, आप उसको जेल में भेजेंगे तो मेरे 6% वोट बढ़ जाएंगे, और अगर आप 2 बार जेल में भेज देंगे तो गुजरात में मेरी सरकार बन जाएगी। ये बात वो मतलब इस तरीके की वो बात कर रहे हैं, लेकिन वही विकल्प देने वाले हैं। तो अगर कांग्रेस पार्टी विकल्प देने की स्थिति में नहीं है, और आज जो है वो अगर बिखरा हुआ विपक्ष है, तो वो अगर जो है विकल्प देने की स्थिति के अंदर लोगों को दिखलाई नहीं पड़ता है, तो अरविंद केजरीवाल अकेले विकल्प दे सकते हैं, इस बात के ऊपर तो कोई भरोसा नहीं करेगा। उनकी पार्टी के लोग जो है शायद वो भी भरोसा नहीं करेंगे, वो लोग प्रवक्ता हैं इसलिए बोलते रहते हैं, वो बात एक एकदम अलग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि पंजाब उनके पास है, दिल्ली उनके पास में है, तो ऑपोजिशन की जो एक एकजुटता चलेगी उसके अंदर उनका भी एक भूमिका जरूर रहेगी, क्योंकि हम ये देखते हैं कि वो नीतीश जी के भी से भी उनकी मुलाकात होती रही है, हमने ये देखा है कि उनकी मुलाकात चंद्रशेखर राव से भी होती रही है, हमने ये देखा है कि एक समय के अंदर जो है वो ममता बनर्जी के साथ भी होती रही है। तो तमाम सारे एक तरीके से जो सेतु जो है वो बना हुआ है, और पार्लियामेंट के अंदर तो उनकी पार्टी जो है, जब संजय सिंह के ऊपर कोई एक तरीके से हमला जब हुआ था, उन्हें निकाला गया था, तो पूरा ऑपोजिशन उनके साथ में खड़ा हुआ था, तो एक किस्म का फ्लोर कोऑर्डिनेशन के अंदर तो वो सब लोगों के साथ में रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आम आदमी पार्टी भी जो व्यापक विपक्षी एकता बनेगी उसके साथ में खड़े होने को वो मजबूर होगी। मेरा जो खास एम्फेसिस है वो मजबूर शब्द के ऊपर है, क्योंकि जो खरीद फरोख्त है वो खरीद फरोख्त का मामला तो चल ही रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई 1000 करोड़ का जो है फंड इन्होंने बना के रखा है, हम देख रहे हैं कि वो 1000 करोड़ के फंड का इस्तेमाल जो है झारखंड के अंदर फिलहाल हो रहा है, वहां की सरकार को कभी भी ले जाया जा सकता है। अभी ये भी दिखलाई पड़ रहा है कि अभी खबर जो आ रही है वो ये आ रही है कि जो है फडणवीस मिले, अशोक जो है चौहान से मिले, और कुछ जो है कांग्रेस के एमएलए भी जा रहे हैं, तो सब मामला खरीद फरोख्त वाला जो है वो देश भर के अंदर अलग अलग स्तर के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी करती है वो उससे वो कब तक बच पाएंगे ये कहना भी बहुत मुश्किल है। और मुझको लगता है कि इसलिए ये जो पूरा सीबीआई आईडी और ईडी जो है वो एजेंसियों का जो दुरुपयोग है वो भी विपक्ष को एक साथ लाने का काम जरूर कर रहा होगा, मतलब मानसिक तौर पर तो कर रहा होगा, और ये बात का उनको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम एकजुट नहीं हुए तो हम लोग अकेले अकेले जो है इन एजेंसियों के शिकार हम लोग बनेंगे। तो एकजुटता तो जो है बनानी पड़ेगी, मुझे लगता है कि जनता उनको लिए मजबूर करेगी, और मैं ये देखता हूं कि देश के अंदर एक जो है जन आंदोलनों का एक व्यापक अलग अलग जगह पर तैयारी चल रही है, और आने वाले समय में वो सब सड़कों के ऊपर दिखलाई पड़ेगा, और जो जन आंदोलन चलेंगे उसके चलते भी ऑपोजिशन को एकजुट होना पड़ेगा, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर होना पड़ेगा, और कोई एक लीडर ऐसा नहीं है ऑपोजिशन का जिसके के को लेकर के कहा जाए कि भाई इसी लीडर के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। और मुझे लगता है कि ये बहुत इम्प्रैक्टिकल बात होगी कि किसी एक लीडर को आप सामने रख करके चुनाव लड़ने का काम करें। अभी तक जो कुछ हुआ है पार्लियामेंट्री पार्टी डिसाइड करती है, और पार्लियामेंट्री पार्टी को ही डिसाइड करना चाहिए, और इसलिए कोई भी निर्णय 2024 के अंदर लीडरशिप को लेकर के नहीं उठाना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये बात नीतीश जी और चंद्रशेखर राव भी बार बार ये बात को कहने का काम कर रहे हैं, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि लीडर कौन है ऑपोजिशन का ये महत्व की बात नहीं है, हम लोग मिलकर के एक जो पूरे देश के सामने चुनौती है या खतरा है उससे लड़ने का काम कर रहे हैं, यही मैसेज जाना चाहिए। एक ठोस कार्यक्रम के साथ कर रहे हैं, यही मैसेज जाना चाहिए, और वो एक अल्टरनेटिव प्रोग्राम है, और वो
जो बात अभी अशोक माथिर साहब कह रहे थे वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको ऐसा एक अल्टरनेटिव प्रोग्राम देना पड़ेगा कि जो जैसे किसान हैं उनके अपने सवाल हैं, एमएसपी का उनका सवाल है, जो श्रमिक हैं उनका अपना जो है चार लेबर कोड का अपना सवाल है, उनका एक पूरा सोशल सिक्योरिटी का उनका सवाल है, जैसे महिलाओं का जो है उनके अपने सवाल हैं, आदिवासियों के अपने सवाल हैं, जिस तरीके से परिवर्तन किया जा रहा है, वो तो इन सब सवालों को एड्रेस अपोजिशन को करना पड़ेगा। तो केवल अगर कोई मतलब राजनीतिक कोई समीकरण बन जाता है जिसका कोई एक प्रोग्रामेटिक आधार नहीं है तो वो एक लोगों के बीच में विश्वास नहीं जमा पाएगा, और इसलिए प्रोग्राम को डेवलप करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ओपोजिशन इस दिशा में सोच रहा है और कुछ लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम डेवलप करने के बारे में भी लगातार प्रयासरत हैं, बातचीत जारी है और मैं उम्मीद करता हूं कि नतीजा निकलेगा। मैं तो शेख अब्दुल रहमान साहब से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, क्योंकि एक समय में ये चौधरी चरण सिंह जी के भी लीडर रहे, हाउस के अंदर लोक दल के ऑफिशियल लीडर थे, जो है राज्यसभा के अंदर ये बात सभी जानते हैं, पार्टी के लीडर के तौर पर था, तो उनका भी कनेक्शन पूरे देश के अंदर है, सबके साथ में उनका रास्ता है। तो और कश्मीर जो है वो कश्मीर के अंदर तो उन्होंने जवाब नहीं दिया था, लेकिन मैं उसके ऊपर भी टिप्पणी करना चाहूंगा, क्योंकि मुझको ऐसा लगता है कि गुफरान साहब जो है उनको इंस्टॉल करने का मन जो है वो बना लिया है, जो है भारतीय जनता पार्टी ने कि चुनाव कराएंगे, चुनाव करा करके गुलाम नबी आजाद साहब को चीफ मिनिस्टर के तौर पर बिठाएंगे, लेकिन ये वही गलती होगी जो केंद्र सरकार कश्मीर में आजादी के बाद से लगातार करता आ रहा है। और कश्मीरियों की जो मुख्य शिकायत है वो दिल्ली से यही है कि भाई हमको तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने दो, हम किसको चाहते हैं उसको तो बिठाने का काम करो, अगर तुम 25 लाख लोगों को इलेक्टोरल रोल के अंदर जोड़ने का काम करोगे, तुम डिलिमिटेशन इस तरीके से करने का काम करोगे कि तुम जो है बैलेंस जो है जम्मू और कश्मीर का उसको अपनी तरफ टिल्ट करने का काम करोगे, तुम तमाम सारी पार्टियां ऐसी बना दोगे जो तुम्हारे साथ में खड़ी हो जाएंगी, तो ठीक है तुम अपनी सरकार इंस्टॉल कर सकते हो लेकिन लोगों का विश्वास अर्जित नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रयास फिर से किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा वो कश्मीर के लोगों को वो जोड़ेगा नहीं, वो उनको एलिनेट करने का काम करेगा। और गुफरान जो है गुलाम नबी आजाद साहब अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस के साथ में लगा करके वो आखिरी दिनों के अंदर वो केवल सत्ता के लिए वो भाजपा के साथ में कोई अलायंस अगर करेंगे जैसा कि दिखलाई पड़ता है, हम उम्मीद करते हैं ना करें, हम प्रार्थना करते हैं कि ना करें, हमारी इच्छा है कि ना करें, लेकिन जितने सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि वो एक उनका जो पत्र है वो ये बता रहा है कि आमतौर पर बहुत सारे लोग बहुत सारी पार्टियों से अलग होते हैं, लेकिन जिस तरीके के आरोप और जिस तरीके की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है उसका इस्तेमाल आमतौर पर राजनीति के अंदर नहीं किया जाता है, राजनीति संभावनाओं का के ऊपर टिकी हुई रहती है। तो एक तरीके से उन्होंने फाइनल गुड बाय करने का काम कांग्रेस पार्टी को कर दिया है, और वो तभी उन्होंने किया होगा जब उन्हें कोई बड़ा एश्योरेंस मिला होगा, वो एश्योरेंस भी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर और अमित शाह के लेवल के ऊपर अगर उनको मिला होगा तभी वो इतने कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में और तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन जो एक इनको एश्योरेंस दे दे और वो आगे बढ़ जाएं। और गुलाम नबी आजाद साहब भी इमैच्योर पॉलिटिशियन नहीं है, उनको जिंदगी भर का बहुत बड़ा तजुर्बा है, लेकिन उन्होंने जो निर्णय किया है वो कश्मीर के लिए भी बहुत अनफॉर्चुनेट है, कांग्रेस पार्टी के लिए भी है और देश के लिए भी है, ये बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ।